हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की ये चैप्टर हमारा रहेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इस चैप्टर में दो तीन अलग अलग पोर्शन है जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की उसके कंजर्वेशन की फिर हम चलेंगे सेंटर ऑफ मास की तरफ और फिर हम बात करेंगे कोलिजन के बारे में ठीक है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स चैप्टर फर्स्ट हमारा जो इसमें सब टॉपिक है या सब पार्ट है वो रहेगा मोमेंटम के बारे में चलिए तो शुरू करते हैं मोमेंटम से ठीक है मैं आपको पहले साइड में बताता हूँ अपना है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं मोमेंटम और इसका कंजर्वेशन से रिलेटेड बातें सेकेंड जो अपन बात करेंगे वो रहेगी सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड बातें और जो थर्ड इसका अपन पार्ट पढ़ेंगे वो रहेगा कोलिजन से रिलेटेड ठीक है ये अपना इस पूरे चैप्टर में बातें रहने वाली है तो मोमेंटम अपन आज पढ़ेंगे मोमेंटम ऑलरेडी एनएलएम के सेकेंड लॉ में आप पढ़ चुके हैं क्या बोला था आपने कि मोमेंटम कैसे डिफाइन किया था लिनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी थी लीनियर मोमेंटम मतलब एक ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है मोशन में तो उसका जो मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम होता है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी पहली बात तो जो एसोसिएटेड थी उसके मोशन के साथ मतलब उसके मास और वेलोसिटी के साथ और डिफाइन की जाती थी पी इक्वल टू एम वी से ये बात हम यहाँ पे जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी तो ये स्पीड नहीं है दिस वी इज वेलोसिटी ये बात हम जानते हैं वेक्टर हमने पे लिखा हुआ है ठीक है अब इसका जो डायरेक्शन है मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती थी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो मोमेंटम की भी डायरेक्शन हो जाएगी यहां से देख पा रहे हैं हम आराम से पी इक्वल टू एम वी है तो क्वांटिटी है तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी की वही डायरेक्शन मोमेंटम की हो जाएगी दूसरी बात इसके जो डाइमेंशंस थी वो क्या है डाइमेंशंस हम देख पा रहे हैं ये हो जाएगा मास का एम वेलोसिटी होता है एल टी माइनस वन ये इसके डाइमेंशंस हो जाएंगे और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, हो जाएगी kg, यूनिट हो जाएगी के मीटर पर सेकंड ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएंगे ठीक है या इसको हम न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं क्या सकते हैं न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं ओके दूसरी बात जो लीनियर मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे क्यों ऐसा क्यों भाई वेलोसिटी है मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी जो होती है वो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती है हम कई बार एग्जांपल ले चुके हैं एग्जांपल भाई अपना कार में आप दो दोस्त जा रहे हैं तीसरा दोस्त सड़क किनारे खड़ा है तो आप जब दो दोस्त एक दूसरे को कार में बैठे हुए देखेंगे तो रेस्ट पे देखेंगे

ऐसा लिखा सकता है का तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम चेंज होगा इट चेंजेस तीन तरीके से इफ वेलोसिटी चेंजेस, हम बोल सकते हैं कि मास चेंजेस या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन चेंजेस या बोथ ऐसा भी बोल सकते हैं आप वेलोसिटी बोल दिया मास बोल दिया या दोनों चेंज हो जाए तब भी हम कह सकते हैं कि भाई जो मोमेंटम है वो चेंज होगा क्लियर अब इसके रिलेशन क्या-क्या बन सकते हैं उस बारे में बात कर लेते हैं तो पहला रिलेशन अगर मैं देखूं कि अगर मास कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं कि जो मोमेंटम होगा वो सीधा-सीधा डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे हम यहां मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सीधा-सीधा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब ये कि अगर आपको बोला जाए कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं जिनका मास सेम है बहुत सारे ऑब्जेक्ट चल रहे हैं जिनका मास सेम है तो सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा जो सबसे ज्यादा तेज चल रहा होगा क्यों क्योंकि मोमेंटम सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है स्पीड के या वेलोसिटी के फिलहाल मैग्नीट्यूड के केस में के हम स्पीड भी बोल सकते हैं इसे तो जो जब सबसे ज्यादा तेज चल रहा होगा उसके लिए मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा अगर सबका मास सेम है तो क्लियर है बात बहुत आसान सी बात है दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे तो बोल सकता हूं कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं से सेम वेलोसिटी, तो सबसे ज्यादा मोमेंटम किसका होगा जो सबसे ज्यादा भारी होगा उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा या फिर मैं अगर ये बोल दू कि मोमेंटम कॉन्स्टेंट है

क्लियर है बात कोई खास बात नहीं सब में आराम से रिलेशन देखे जा सकते हैं एक को करो दूसरे का चेंज देख लो अगर इनके मैं ग्राफ बनाऊ तो देखो यहाँ पे ग्राफ ग्राफ में बनाता मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का पीवी अगर बनाया जाए तो कैसा बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा अगर यहाँ बनाया जाए पी वर्सेस एम का तो ग्राफ कैसा बनेगा यहाँ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ बनेगा अगर यहाँ ग्राफ बनाया जाए वेलोसिटी वर्सेस मास का तो क्या लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन है ये बनता एक hyperbola, ऐसा ग्राफ बनेगा, hyperbolic बनेगा, ठीक है? तो यहां क्या क्या था? यहां mass constant था, तो ऐसा ग्राफ बना, वेलोसिटी मास तो तो का ऐसा ग्राफ बना क्लियर सारी बातें, कोई खास बात इसमें आराम से की जा सकती है ठीक है अच्छा इसका नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं मोमेंटम में तो हम पता है कि भाई जो मोमेंटम लिखा जाता है वो आप लिखते हो एम वी से अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं मैं करता हूं पी डॉट पी खुद को खुद से किया तो ये क्या हो जाएगा, इसका same, ऐसा हो जाएगा. इधर आपके पास मिलेगा पी स्क्वायर इधर मिलेगा एम स्क्वायर इधर मिलेगा बी स्क्वायर क्योंकि सेम को आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हो तो स्क्वायर हो जाता है वो एक्स डॉट एक्स इज एक्स स्क्वायर ठीक है ऐसा मिल गया अच्छा इसको मैं अगर रिलेट करना चाहूं काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी क्या थी हाफ एम वी स्क्वायर तो देखो इस टू को मैं इधर भेजता हूं तो हो जाएगा स्क्वायर दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो टू एम के इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर ऐसा हो गया देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं तो मैं इक्वेट करके लिखूंगा पी स्क्वायर इक्वल टू टू एम के ये अपना एक बनता है यहाँ से या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ पी इक्वल टू रूट टू एम के या फिर अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो पी स्क्र बाई टू एम ऐसा रिलेशन हैं तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन अपने पास आता है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है जो ये बताता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट के पास अगर काइनेटिक एनर्जी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा और अगर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी इंडिविजुअली एक और दूसरा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि हमें पता है कि दोनों ही चीजें उसके मास और मोशन से रिलेट करती हैं मास और वेलोसिटी से रिलेट करती हैं तो अगर मोमेंटम है तो कैनेटिक एनर्जी होगी ही और अगर कैनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम भी होगा ही क्लियर है बात एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन अपने को यहां से मिलता है और मैथमेटिकली भी ये फॉर्मुला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार अपने क्वेश्चंस में ये काम आता है ठीक है अब अगर मैं यहाँ पे पी और इनका रिलेशन देखू पी के और एम का तो देखिए क्या अपने पास केसेस बनते हैं मैं बोलूँ अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा जो काइनेटिक एनर्जी है भाई आप पी कांस्टेंट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम यहाँ से हम देख पा रहे हैं। इसका मतलब ये अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स चल रहे हैं जिनके लिए मोमेंटम सेम है तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी जो सबसे हल्का होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी आराम से आप यहां से कह सकते हैं या दूसरे केस में अगर बात करूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है के अगर कांस्टेंट है तो देखो क्या हो जाएगा यहां से अपने को मिल रहा है पी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास ये अपने को मिल रहा है यहां से फिर से बात अगर काइनेटिक एनर्जी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की सेम है जो चल रहे हैं तो बोल सकते हैं कि मोमेंटम सबसे ज्यादा किसका होगा तो इसका मास सबसे ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है तो ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तब हमें रिलेशन अगर याद है तो हम सीधा सीधा ये आराम से बता सकते हैं क्लियर तीसरा इसमें जो रिलेशन बन सकता है कि अगर मास कॉन्स्टेंट हो गया तो देखो अगर मास कॉन्स्टेंट है तो हमें देख पा रहा है यहां से कि जो मोमेंटम है वो रिलेट करता है सीधा रूट के से आप यहां से देख पा रहे हैं आराम से मास अगर कर तो तो अगर कर दीजिए तो तो मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रूट के बहुत सारे चल रहे हैं जिनका मास सेम है तो जिनका कानेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसी का मोमेंटम भी सबसे ज्यादा होगा या उल्टा भी कह सकते हैं कि जिसका मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी ठीक है सारी बातें अगर इनके ग्राफ बनाना चाहें तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा अगर के और एम का ग्राफ यहाँ पे एक बनाते हैं बना। है, है बन है जब मोमेंटम कांस्टेंट है दूसरा अगर ग्राफ बनाए यहाँ पे पी और एम का मोमेंटम और मास का तो ये जो ग्राफ बनता है, एक ग्राफ बनता है इस तरीके से तो आप लिख चाहें तो लिख भी सकते हैं दिस इज हाइपरबोला ग्राफ This is a graph. और पी और के का आपको ग्राफ बनाना है या के और पी का अगर मुझे ग्राफ बनाना है ठीक है इस बार ग्राफ बनाना है के पी का तो के इज प्रपोर्शनल टू पी स्क्वा ऐसा अपने पास एक रिलेशन है तो के और पी का अगर ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ भी एक पैराबोला बनता है पर पैराबोला इस बार बनता है ऐसा और ये बनता है जब मास कांस्टेंट हो ठीक है इस तरीके के आप सारे क्वेश्चन आराम से सारे इसमें आराम से ऐसे बना सकते हैं क्लियर है बात चलिए आगे बढ़ते हैं मोमेंटम से रिलेटेड और बातें करते हैं हमें पता है कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने बोला था कैफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी ये आपने बोला था न्यूटन सेकंड लॉ में है ना तो यहां से एक बात हमें समझ में आती है कि भाई जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ठीक है अच्छा डीपी क्या इसी को आप ये भी कहते हैं कि दिस स्लोप ऑफ मतलब अगर मोमेंटम टाइम ग्राफ आपको दे रखा है तो उसका स्लोप आपको फोर्स दे देगा स्लोप क्या होता है थीटा ऐसा वो ऐसा लिख सकते हैं या फिर इसको अगर मैं ऐसा लिखूं इसी रिलेशन को

तो ये दो रिलेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां से मिलते हैं एक ये रिलेशन कि स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम कर दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहां से आपको मिल पा रहे हैं और ये आपको ध्यान रहने चाहिए क्योंकि बहुत यूज होते हैं ये रिलेशंस ठीक है तो आप अगर ऐसा देखना चाहें ग्राफ अगर बनाएं तो आपको अगर दे रखा है मोमेंटम टाइम ग्राफ पीटी ग्राफ आपको दे रखा है से, इस तरीके से तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे अगर इसका स्लोप देखेंगे तो दट स्लोप मतलब थीटा जो है वो आपको देगा फोर्स 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 इक्वल टू दिस टेन थीटा और जबकि आप अगर फोर्स ग्राफ बनाते हैं और वो अगर ऐसा कोई ग्राफ है मान लीजिए तो उसका जो एरिया अंडर कर्व है यहाँ टी वन से टी टू तक ये एरिया अंडर कर आपको क्या देगा इज इक्वल टू टू चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम टाइम ये आप आराम से यहां पे देख सकते हैं ठीक बात है चलिए तब इस बात को अपन आगे यूज भी करेंगे इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन में इसी बात को तो क्या लिखेंगे हम हमारा जो मोमेंटम से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है वो है इम्पल्स सॉरी इम्पल्स मोमेंटम रिलेशन इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी आप इसे कह सकते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कह रही है भाई तो जो अभी आपने लिखा क्या लिखा सेकेंड लो का आपने लिखा एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं एम इन टू वी के बराबर ऐसा लिखा जा सकता है या फिर इसे ऐसा लिख सकते हैं कि एफ डी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऐसा भी लिखा जा सकता है इसे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलता है टी वन से टी टू तक तो इंटीग्रेट किया जाए तो मैं इसे लिख सकता हूं इंटीग्रल एफ डी फ्रॉम टी से टी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज एम टू माइनस एम v1 अगर v1 से v2 तक इसको इंटीग्रेट करें ऐसा तो ये आपको मिलेगा mv2 minus mv1 चेंज इन मोमेंटम और ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है देखिए इंटीग्रल f dot dt ये आपको बोला गया था इंपल्स जो हमने बात करी थी इसी को क्या कहते हैं इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम mv2 minus mv1 इज नथिंग बट

तो आपने जो फोर्स इस पे लगाया वो क्या बहुत ही कम टाइम के लिए फोर्स लगाया था yes. यस बहुत ही कम टाइम के लिए ऐसे करते है, उस के लिए, जितने टाइम के लिए फोर्स लगाया गया तो उसे कहा जाता है या वो इक्वल टू तो आता है चेंज इन मोमेंटम के दिस इक्वेशन इज इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्लियर है ये बात हमें याद रखनी चाहिए इक्वेशन हम यूज करेंगे इस इक्वेशन को कई बार आगे क्वेश्चन okay? तो है इम्पल्सिव फोर्स इज अ डिफरेंट थिंग इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है तो अगर आपको पूछा गया कि बताइए इम्पल्स की डायमेंशन क्या है तो डायमेंशन वही होंगी जो मोमेंटम की है ना कि फोर्स की ओके okay? चलिए अगर आपसे बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ऐसा अपन इसको वेक्टर फॉर्म में बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट ऐसा है इस डायरेक्शन में चल रहा इसका है इसका मोमेंटम है ऐसा एम वी वन या इसको बोल देता हूँ ये इसका मोमेंटम है ठीक है अब आपने क्या किया इसपे एक फोर्स लगाया ये ऑब्जेक्ट है आपने इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया ठीक है क्लियर बात जब आपने इस पे एक फोर्स लगाया मतलब आपने किसको वो, तो वो क्या आएगा ये इस डायरेक्शन में तो चल ही रहा था फोर्स लगने से उस डायरेक्शन में भी चलने लगेगा अगर मैं इसका नेट बताना चाहूं तो देखो नेट क्या बनेगा ये था इसका ये ये आपने लगाया तो जो इसका नेट वेलोसिटी आएगी वो आएगी कुछ ऐसी एम वी वन तो जो इसका रिजल्ट आया वो आया एम वी टू के बराबर मतलब अब ये जो चलने लगेगा ये वी टू डायरेक्शन में चलने लगेगा वी वन इसके पास पहले की वेलोसिटी थी

जिधर आपने फोर्स दिया और जिधर वो पहले जा रहा था उन दोनों के बीच में कहीं वो चलने लगेगा यस yes. बस यही बात यहाँ पे हुई है जिधर वो चल रहा था जिधर फोर्स दिया उन दोनों से हट के तीसरे डायरेक्शन में थोड़ा सा चलने लगा जो कि इन दोनों का रिजल्टेंट है यही बात आपने यहाँ लिखी भी थी देखिए ध्यान से इंटीग्रल एफ डॉट डी इक्वल टू एम बी टू माइनस एम बी वन अगर मैं यहां से लिखना चाहूं इंटीग्रल एफ डॉट डी टी टी वन से टी टू एम बी वन क्या मैं इस तरफ ला सकता हूँ उस तरफ से क्वल टू एम वी टू क्या ये बात यहाँ पे हो गई कि जो एम वी टू आया है वो रिजल्टेंट है इनिशियल मोमेंटम का और जो इम्पल्स आपने इसको प्रोवाइड किया उन दोनों का तो यही बात यहाँ पे अभी आपको दिख पा रही है आराम से रिजल्टेंट इज इक्वल टू तो ठीक तो है तो एक्सर्टेड ऑन ऑब्जेक्ट इक्वल्स इट्स चेंज इन मोमेंटम ये है आपकी इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब इसको क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन में जब यूज करेंगे तो क्या करना है तो आपको सीधा सीधा सा हिसाब ये करना है कि x और y डायरेक्शन में आप अलग अलग इनके इंपल्स लिखेंगे मोमेंटम लिखेंगे और फिर फोर्स भी उसी हिसाब से हम इक्वल करेंगे ठीक है हमें वेक्टर फॉर्म में नहीं कर जाना है बहुत ज्यादा एक्स वाई डायरेक्शन अलग अलग करेंगे हमें पता है बहुत आराम से बन कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं द मोशन ऑफ द बॉडी प्लेन फॉर मोशन इन अ प्लेन Resolve the momentum and forces along x and y along x and y direction. तो एक बार एक्स एक्सिस में आपने इसको रिजोल्व कर दिया उसके बाद तो आप सीधा सीधा, सीधा स्केलर तरीके से अगर ये प्लस है तो दूसरा हो जाएगा। वो से यहां पे यूज कर सकते हैं तो टी वन से टी टूल टू एम वी टू इन एक्स डायरेक्शन ऐसा लिखा जा सकता है और इसे अगर वाई डायरेक्शन में लिखना है तो एम वी वन इन वाई डायरेक्शन प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी टी टी वन से टी इक्वल टू एम बी टू डायरेक्शन कोई दिक्कत आराम से ये ले सकते हैं ये करना बहुत आसान हो जाएगा ठीक है अब इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रल एफ एक्स डी टी मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इस पे impulse लगा है is equal to change in momentum नेक्स्ट डायरेक्शन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं इस वन एक्स को मैं टुवर्ड्स राइट right ले आऊं तो ऐसा इक्वेशन हो जाएगी तो ये हो गया कि एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम जो इंपल्स आपने दिया वो एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो गया ऐसे ही जो वाई डायरेक्शन में इस फोर्स ने इसको इंपल्स प्रोवाइड किया वो वाई डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा क्लियर है बात तो आप ये भी बहुत आसानी से कर सकते हैं Direction, है ना का फोर्स उसका impulse निकालो डायरेक्शन में करो करो का उसका निकालो में है सारी बातें तक तो तो इसका देखो अगर तो मैं बोलू कि मान लीजिए दो ऐसी बोट्स हैं इस तरीके से ठीक है यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है इस बोट में वो इस बोट पे एक रस्सी बांध के इसे अपनी तरफ खींच रहा है ठीक है? इसको अपनी तरफ खींच रहा है और हमें बोला गया है कि जो वाटर का रेजिस्टेंस है वो नेगेजेबल है वाटर को रेजिस्टिव फोर्स इस पर नहीं लगा रहा ठीक है ऐसा इसने बोला है पढ़ लेता हूं कंसिडर टू बोर्ड ऑफ मास बी मास हो गया एम बी ये हो गया इनिशियली ट्रेस्ट ठीक है दोनों इनिशियलीस्ट पे है बोट ए वर थ्रू अ रूप ठीक है दिखा रखा डायग्राम में इन द एबसेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वाटर नो रजिस्टेंस बाय वाटर ठीक है देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बोट सिस्टम अब देखो क्या बात होगी कि अगर वाटर की तरफ से कोई रजिस्टिव फोर्स नहीं है तो ना तो इस पे कोई पीछे की तरफ फोर्स लगेगा ना इस पे कोई रजिस्टिव फोर्स लगेगा जो भी फोर्स इन बोट्स पे लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये टेंशन फोर्स है और अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लेता हूं, दोनों बोट मिला के मेरा एक सिस्टम हो गया है तो क्या इस पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहां कोई फोर्स नहीं यहां कोई फोर्स नहीं जो फोर्स है वो टेंशन फोर्स है और वो फोर्स इन दोनों का इंटरनल फोर्स है कैसा फोर्स है इंटरनल फोर्स क्योंकि इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो टेंशन इस तरफ तरफ लग लग रही रही है इस तरफ लग रही है दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे हैं लेकिन अगर पूरा मेरा सिस्टम है तो ये फोर्सेस कहलाते हैं इंटरनल फोर्सेस तो मैं बोलूंगा टेंशन इज इंटरनल फोर्स फॉर द टू बोट सिस्टम अगर दोनों बोट मिला के मैं अपना एक सिस्टम मानता हूं तो उसके लिए टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाता है और नो रेजिस्टेंस बाय वाटर मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे कोई भी तो हमने लिखा था इंटीग्रल एफ डॉट टी 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 वन से टी टू ये क्या हो जाएगा जीरो क्योंकि फोर्स है यहाँ पे जीरो एक्सटर्नल फोर्स यहां पे कितना है जीरो और ये हमें पता है कि इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम और अगर वो जीरो है तो चेंज इन मोमेंटम भी जीरो रहेगा इसे आपने बोला कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है कब ऐसा हुआ जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो था, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज़ जीरो, तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहने वाला है अनादर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जब एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो सिस्टम का मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा क्लियर बात पक्का अब यहां वो कैसे कंजर्व रहा आप कैसे बात कर सकते हैं तो देखो इनिशियल मोमेंटम इस पूरे सिस्टम का कितना है जीरो क्योंकि इसकी भी स्पीड जीरो थी इसकी भी स्पीड जीरो थी रेस्ट पे आपको पहले दे रखा था अब जब खींचना शुरू किया तो ये इस तरफ चलेगा इसका एक मोमेंटम आएगा एम बी इंटू वी बी के बराबर इस डायरेक्शन में अच्छा सोचो टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए सिस्टम का ये पूरा सिस्टम है इसमें से अगर ये इस तरफ चलने लगा तो टोटल जीरो कब हो सकता है जब ये इस तरफ चलने लगे तभी हम कह सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कैन बी तो से तो ये इस तरफ चलेगा एम ए वी ए से ये इसका मोमेंटम हो जाएगा इस डायरेक्शन में तो हमें आराम से लिख सकते हैं कि क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो और फाइनल को भी जीरो होना पड़ेगा तो लिखा जा सकता है कि एम ए वी ए माइनस एम बी वी बी इक्वल टू अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव ऐसा हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्लियर है तो यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं दोनों के वेलोसिटी का रिलेशन भी तो होगा क्या, क्या यहाँ पे कि वो ए में जो बैठा हुआ बंदा है वो बी को अपनी तरफ तो खींच रहा है लेकिन साथ साथ क्योंकि वो उसको खींच रहा है टेंशन फोर्स की वजह से वो खुद भी बी की तरफ आगे चलेगा तो बोर्ड के जो तो सिस्टम है वो दोनों अगर यहाँ पे हैं और कोई एक भी अगर उनको खींच रहा है तो दोनों आपस में एक दूसरे के पास चलेंगे इस तरीके से क्लियर है बात क्यों क्योंकि नेट नेट फोर्स फोर्स ऑन ऑन द द सिस्टम सिस्टम एक्सटर्नल इज जीरो तो वैसा है तो मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी सिस्टम का जीरो होना चाहिए ऐसा कब पॉसिबल है जब एक अगर इधर चल रहा है तो दूसरा इस तरफ चले दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम वेक्टर्स आएंगे जीरो हो सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये हमें ध्यान रखना है आगे कई सारे क्वेश्चन करने वाले हैं ठीक है तो आप अगर यहां से ऐसा देखें भी तभी आप कह सकते हैं कि वी ए जो आएगा वो आएगा एम बी वी बी बाई एम ए और आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसे तो हमने ऑलरेडी एक माइनस साइन लगा ही चुके हैं क्योंकि हमने माना है कि ये इधर चल रहा है तो ये इधर चल रहा है दिस इज वी ए दिस इज वी बी तो आराम से इनका रिलेशन भी आप बता सकते हैं ठीक बात है चलिए तो इनपे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी जितना अभी तक अपन ने पढ़ लिया है क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है टू दो मास हैं वन एन टाइम्स है अदर तो अगर एक एम है तो दूसरा एन टाइम्स है एन एम है ये आपको दो मासेस दे रखे हैं आर ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट ओके सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप किया गया ये भी एच से, से ड्रॉप किया मतलब इनिशियल स्पीड इनकी जीरो है हाउ डू देर मोमेंटम कंपेयर जस्ट बिफोर द हिट द ग्राउंड जस्ट बिफोर द हिट द ग्राउंड इस समय इनका मोमेंटम को कंपेयर कीजिए ये आपको पूछा गया इसका मोमेंटम अगर पी वन है इसका मोमेंटम अगर पी टू है पी तो वन और पी टू को कंपेयर करिए ये आपका क्वेश्चन है ठीक है अच्छा एक बात बताइए हमने हमने जब मोशन मोशन इन पढ़ा था तो हमने बात करी थी अंडर ग्रेविटी उसमें हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से रिलीज करते हैं एच हाइट से तो नीचे आते आते उसकी स्पीड हो जाती है रूट टू जी एच के बराबर क्लियर है बात कैसे हमने देखा था एक तो हमने देखा था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से क्या क्या था वी निकालना है U जीरो था क्योंकि ऊपर से ड्रॉप किया है प्लस टू जी एच हमने बोला था वी आया था क्लियर अच्छा इसी को आप क्या वर्क पावर एनर्जी से भी कर सकते हैं सोचिए कैसे एक ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है इनिशियल स्पीड इसकी जीरो है जब वो यहां पहुंचेगा इसके पास एक स्पीड होगी वी जिससे वो आके टकराएगा ये हाइट है एच अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाऊ तो क्या बोलूंगा टोटल जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए इसकी इनिशियल एनर्जी है सिर्फ एम के बराबर अगर ये अपना रेफरेंस लाइन है तो मैं बोलूंगा इनिशियल में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक तो है जीरो और फाइनली अगर बात की जाए तो पोटेंशियल हो जाएगी फाइनली जीरो और हो जाएगी सिर्फ काइनेटिक यहां से भी आप देखें तो वी आपको मिलता है रूट टू जी एच क्लियर है

जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है सिर्फ ग्रेविटी के अंदर इनका मोशन हो रहा है तो दोनों सेम वेलोसिटी से आएगा। अगर मैं इनका मोमेंटम लिखता हूँ तो तो दोनों का मोमेंटम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वन बाई एन के बराबर या आप ऐसा कह सकते हैं कि पी टू इक्वल टू एन टाइम्स पी वन मतलब जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है उसका जो मोमेंटम है वो एन टाइम्स हल्के वाले के मोमेंटम्स होगा क्लियर है बारी वाले का मोमेंटम ऑब्वियसली ज्यादा होगा क्योंकि मास ज्यादा है वेलोसिटी दोनों की सेम है वही बात अपने को यहाँ पे दिख पा रही है ठीक बात है सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपसे पूछा गया कि टू मासेस वन एन टाइम्स एज हेवी एज अदर वही एक मास एम है एक मास एन एम है हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी के है इसकी काइनेटिक एनर्जी भी के है आपसे पूछा गया हाउ डू देयर मोमेंटम कंपेयर इनके मोमेंटम का कंपैरिजन बताइए अगर ये P1 है, ये है है तो P1 और P2 का रिलेशन बताइए ये आपसे पूछा गया तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है रूट सॉरी मोमेंटम जो होता है उसको हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू रूट टू एम के अभी हमने बात करी थी ये दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या मैं मोमेंटम को लिख सकता हूँ सीधा-सीधा रूट m के प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा यस yes. तो बस आंसर आपका क्या p1 का जो मोमेंटम है वो रूट m के प्रोपोर्शनल है p2 जो मोमेंटम है वो रूट nm के प्रोपोर्शनल है क्योंकि उसका मास nm है यहाँ से आपको रिलेशन मिल गया p1 by p2 अगर करेंगे तो मिलेगा 1 by root √n या अगर p2 को लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे रूट √n p1 क्लियर। अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो रिलेशन बनता है टाइम्स पिछले क्वेश्चन में दोनों की, तो तो की किए जा सकते हैं ठीक बात है चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी परसेंटेज चेंज इन कायनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ इट्स मोमेंटम इज इंक्रीज इफ इट्स मोमेंटम इज इनक्रीज 5% ये आपसे पूछा गया कि अगर मोमेंटम को 5 परसेंट से इंक्रीज कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज होगा ये आपका क्वेश्चन है ठीक है तो अपने को दोनों का रिलेशन पता है कि इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m ये रिलेशन अपन जानते हैं अब देखिए बहुत ध्यान से कि जो तो चेंज है फाइव परसेंट इसे माना जाता है छोटा चेंज ठीक है स्मॉल चेंज चेंज इज अ स्मॉल और जब भी छोटा चेंज हो और आपको परसेंटेज की बात करनी हो तो एक सीधा सीधा रिलेशन है जो आप ध्यान रखेंगे डेल्टा के बाई के इक्वल टू जो पावर है यहाँ स्क्वायर है पी स्क्वायर तो पावर आ जाएगा मल्टीप्लाई में टू टाइम्स डेल्टा पी ये एक बहुत ही अच्छा

ये आपको दे रखा है फाइव तो so, ये हो जाएगा टू परसेंटेज चेंज इन पी या आप लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन पी ऑलरेडी आपको निकालना है तो परसेंटेज चेंज इन आपको फाइंड करना है ये आपको दे रखा है फाइव आंसर आएगा आपके पास टेन टेन परसेंट इज परसेंटेज चेंज इन के आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ध्यान क्या रखना है हमें पहली बात की जो परसेंटेज चेंज दे रखा है वो बहुत छोटा हो तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं और रिलेशन कैसे यूज करना है जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई कर देनी है मान मान लीजिए लीजिए के क्यूब होता होता अगर होता, तो मैं यहाँ पे थ्री टाइम्स डेल्टा के बाई पी करता पावर को हमेशा अपने को आगे मल्टीप्लाई करना है ठीक है यहाँ पी स्क्वायर है तो मैंने टू टाइम्स डेल्टा पी बाई पी किया है क्लियर अच्छा यही क्वेश्चन आपको बोला गया है सेम इस बार आपसे बोला गया कि जो परसेंटेज चेंज है मोमेंटम में वो 50% है कितना है इस बार जब आपको सेकंड पार्ट दिया बोला कि परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम इज 50% तो अब बताओ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में था 5% इस बार आपको दिया 50% परसेंट इज नॉट अ स्मॉल क्वांटिटी ठीक है ना 50% को स्मॉल नहीं

मोमेंटम कितना है P, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? मतलब परसेंट इंक्रीज के बाद कितना हो तो हंड्रेड मतलब मतलब तो ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव पी के बराबर ये हो गया फाइनल मोमेंटम अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के है तो उसको आपने लिखा था पी स्क्वायर बाई टू एम से अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें लिखनी है तो वो कितना हो जाएगा फाइनल मोमेंटम इज 1.5 पी का स्क्वायर बाय 2 एम ऐसा हो जाएगा is, 1.5 स्क्वायर इज 15 स्क्वायर इज 2.25 तो ये हो जाएगा ऐसा पी स्क्वायर बाय 2 एम ये हो जाएगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसको मैं के डैश अगर लिख लेता हूं तो ये ऐसा हो गया मुझे निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा के डैश माइनस के ये चेंज हो गया और अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो वो निकाला जाता है हमेशा इनिशियल वैल्यू पे तो के डैश माइनस के इन बाई के इन टू हंड्रेड ये हो जाएगा सॉल्व करते हैं तो के डैश आपने निकाला टू पॉइंट टू फाइव पी बाई टू एम के था पी स्क्वाय टू एम मतलब वन नीचे फिर से वन

और सोचा आप अगर ये फॉर्मूला लगा देते तो आप कितना आंसर बताते चेंज इन ये आता टू टाइम्स फिफ्टी मतलब आप हंड्रेड परसेंट आंसर बताते जो कि गलत हो जाता तो ध्यान रखिए जब भी चेंज जो परसेंटेज में चेंज दे रखा है वो अगर सिग्निफिकेंट है बड़ा है तो आप जो आपका बेसिक मेथड है उसी से जाएंगे पहले आप चेंज करके मोमेंटम की नई वैल्यू निकाली फिर इसको यूज करके कैनेटिक एनर्जी

चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के वीडियो का क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मैं आपके सामने ले आता हूं चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिस्क है ऑफ मास पॉइंट वन के जी ओके फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली इन मिड एयर फ्लोट कर रही है ये मिड एयर में ठीक है कैसे फ्लोट करा रखा है फ्लोट करेगी मतलब भाई इस पे नीचे ग्रेविटेशन फोर्स तो हमेशा लगता ही है फ्लोट करा रखा है मतलब ऊपर की तरफ एक फोर्स आपने इस पे और लगा रखा है जिसकी वजह से स्पिन नेट फोर्स जीरो है ये अपनी जगह पे टिकी हुई है ऐसा अपन बोल सकते हैं ठीक है अब वो ऊपर वाला फोर्स कौन दे रहा है इसको by firing bullets of mass 0.05 केजी ईच वर्टिकली एट इट ओके मतलब आप नीचे से लगातार बुलेट्स फायर कर रहे हैं वो बुलेट्स उस डिस्क पे जाके टकरा रही है और उसे अपनी जगह पे स्टिल करके रखे हुए है तो बाद जब बुलेट जाके टकरा रही है तो उस पर एक फोर्स वो दे रही है और उस फोर्स की वजह से वो अपनी जगह पर टिका हुआ ऐसा कह रहा है। और बुलेट्स कैसे विद स्पीड टकराने के बाद बुलेट रीबाउंड हो रही है जिधर गई टकराई फिर से, सेम से नीचे की तरफ चलने लगी द स्पीड ऑफ द बुलेट्स विद विच डीज आर ये आपको पूछा गया कि कितनी स्पीड से बुलेट को फायर किया जा रहा है ये आपका क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है अब देखो ध्यान से बुलेट्स टकरा रही हैं तो उसको फोर्स क्यों मिल रहा है क्योंकि टकराएंगी तो बुलेट के इम्पल्स में चेंज होगा सॉरी बुलेट के मोमेंटम में चेंज होगा जब चेंज इन मोमेंटम होगा तो क्या एक इंपल्सिव फोर्स ये उस पर लगाएंगे डिस्क पे yes. और वो जो फोर्स है वो इसको फ्लोट करके रखे हुए है अपनी जगह पे हवा में टिकाए हुए है तो मैं बस देखना है कि बुलेट का चेंज इन मोमेंटम कितना है तो भाई ये बना दिया ऐसे एक डिस्क है यहाँ पे और ये डिस्क जो है वो फ्लोट कर रही है फ्लोट कैसे कर रही है तो जो बुलेट नीचे से आ रही है वो इस पे आके टकरा रही है मान लीजिए वी स्पीड से आके टकराई टकराने के बाद ये फिर से रीबाउंड हुई रीबाउंड हुई।, हुई मतलब इस बार इस डायरेक्शन में वी स्पीड से आपस चलने लगी अगर बुलेट का मास m है और इसका मास से कैपिटल m है तो हर बुलेट आके टकरा रही है और टकराने की वजह से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रही है अगर ये फोर्स मैं बता दूं तो मुझे पता है कि फ्लोट करने का तरीका मतलब नीचे इस पे अपना mg लग रहा है ऊपर जो फोर्स लग रहा है दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये फ्लोट करने लगेगी बस अब अपने को f निकालना है f कैसे निकालें तुम तो बोल सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम Of one bullet. कितना है भैया एक बुलेट में कितना चेंज इन मोमेंटम ऊपर जा रही है एक बुलेट का अगर इनिशियल मोमेंटम देखा जाए तो वो है एम वी ऊपर की तरफ है ना टकराने के बाद वो चल रही है अब नीचे की तरफ तो पी फाइनल कितना है इसका माइनस एम वी क्योंकि अब डायरेक्शन नीचे है तो तो मैं इसको माइनस लिखूंगा। तो मोमेंटम की से रिबाउंड हुई है, इसका मतलब चेंज इन जीरो नहीं है एम वी एम बी मत कर देना डायरेक्शन मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा आंसर आएगा माइनस टू एम वी के बराबर तो एक बुलेट का जो चेंज इन मोमेंटम है वो है माइनस टू एम वी या मैग्नीट्यूड की अगर बात करो तो इसको मैं टू एम वी लिख लेता हूं सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो हो जाएगा 2 के बराबर हम फोर्स ऑलरेडी डायरेक्शन बताई चुके हैं तो मैग्नीट्यूड आएगा टू एम वी इस मैग्नीट्यूड की वजह से उस पर फोर्स लगा रही है अच्छा एक सेकंड में ऐसे कितनी बुलेट्स उस पर जाके टकरा रही हैं तो आपको बोला गया है एक सेकंड में दस बुलेट फायर की गई है तो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड कितना हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड ये कितना हो जाएगा तो एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम था टू एम वी अगर ऐसी एन बुलेट्स जाके टकरा रही है जो कि यहां पे दस दे रखा है आपको तो ये कितना हो जाएगा एन टू एन टोटल चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड एक सेकंड की बात हो चुकी है ऑलरेडी तो क्या इसी को बोला जाता है फोर्स यस दिस इज नथिंग बट डी पी इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इसी को हम बोलते हैं फोर्स तो फोर्स आपको मिल चुका है और फ्लोट अगर ये डिस्क कर रही है इसका मतलब ऊपर इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो इस पे नीचे लगने वाला फोर्स मतलब इसका अपना जो वेट है उसके बराबर होना चाहिए सारा क्वेश्चन आपके सामने है आराम से सॉल्व कर सकते हैं

वो आपको मिल रही है वन मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से आप बुलेट नीचे से फायर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि एक डिस्क को फ्लोट करके रखा गया है फायरिंग बुलेट सर तो बुलेट्स की वजह से वो फ्लोट क्यों कर रही है क्योंकि बुलेट जब जाके टकरा रही है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स उस पर लग रहा है वो फोर्स हम निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से तो जितना चेंज इन मोमेंटम बुलेट का है उतना फोर्स वो उस पर दे रही है हमने एक बुलेट का चेंज इन मोमेंटम निकाला आया टू एम के बराबर ऐसे दस बुलेट्स एक सेकंड में भेज रहे थे तो, तो टोटल चेंज चेंज इन इन मोमेंटम मोमेंटम विल बी जो हमने एन लिख लिया पे अच्छा पर सेकंड को ही फोर्स कहते हैं तो दिस इज नथिंग बट फोर्स उस फोर्स को हमने इस एम के बराबर कर दिया जिससे कि वो फ्लोट कर सके वहां से हमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ऐसे और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट है तो पूछिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अपन सेंटर ऑफ मास की क्या होता है ये और कैसे कैलकुलेट किया जाता है ठीक है तब तक के लिए बाय बाय पढ़ते रहिए गुड आउट है तो पूछिए